वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो रेसिपी है एक लीफी वेजिटेबल की रेसिपी। पता नहीं आप लोग कभी उसको ट्राई किया है कि नहीं, मगर मैं आज उसके बारे में बताने वाली हूँ और उसके बहुत ही बेनिफिट भी है हेल्थ के ऊपर उस रेसिपी की। तो वो रेसिपी है, मैंने लेके आई हूँ, ये है लीव्स। इसको हम लोगों की आसामीस में इसको सूखा खाक बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पिनाक डॉक। और ये एक सोरियल प्रजाति की लीफी वेजिटेबल है। सोरियल प्रजाति यानी आप लोग सभी जानते हैं घुंघरू जो है, जिसका अचार तेंगिया अचार बनते हैं, उसी प्रजाति की है ये साग। तो मैं इसके साथ रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये सोरियल प्रजाति जो है, सोरियल प्रजाति उसके इस लीफी वेजिटेबल की बहुत ही बेनिफिट है हेल्थ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों के जो आईसाइट है उसको इम्प्रूव करता है, और सेकेंड है ये हम लोगों की वेट लूज में बहुत ही हेल्प करता है। ये अगर कंज्यूम करते हो आप लोग तो ये वेट लूज में बहुत ही हेल्प करता है। और थर्डली है ये हम लोगों की जो बोन डेंसिटी है, बोन डेंसिटी उसको बूस्ट करते हैं, यानी बोन डेंसिटी हम लोगों की बढ़ाती है। फोर्थ है ये हम कैंसर और ट्यूमर जो होता है उसकी सेल को ये मार देते हैं और हम लोगों को कैंसर और ट्यूमर की से भी बचा सकती है। फिफ्थ है इसको कंज्यूम करने से आप लोगों की स्किन और हेयर जो होती है वो अच्छे हो सकते हैं। और सेवेंथ है ये हम लोगों के सोर थ्रोट जो होते हैं और फीवर आने से जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो भी क्योर कर सकते हैं। और सेवेंथ है इसको कंज्यूम करने से स्कर्वी जो रोग होते हैं, यानी विटामिन सी डिफिशियंसी कारण जो स्कर्वी बीमार होता है उससे भी ये हम लोगों को बचा सकते हैं। तो इतने फायदे हैं इस लीफी वेजिटेबल की। मगर एक बात है, ये दो लोग नहीं खा सकते, ये जो औरत प्रेग्नेंट है वो ये नहीं कंज्यूम कर सकते, और बेबीज और टोडलर्स के लिए भी ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा काढ़ा है, ये थोड़ा तेंगी फ्लेवर का है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है और बेबीज के लिए ये उतना फायदेमंद नहीं है। तो चलिए मेरे किचन तक और मैं बनाती हूँ फिश के साथ इस टेंगी सोरियल प्रजाति की साग जो है स्पिनाच डॉक उसकी रेसिपी। देखने में ये लीफी वेजिटेबल पालक की तरह ही है, इसीलिए इसको स्पिनाच डॉक बोलते हैं। आप लोग देखिए, मगर इसका फ्लेवर टेंगी है, ये खट्टा फ्लेवर की है। अब मैं इसको अच्छी तरह से धो के इसको बारीक तरीके से काट लूंगी। आप लोग देखिए, मेरी जो साग का रेसिपी है उसको बनाने के लिए मैं सभी चीज को इकट्ठा कर दिया है, यानी मेरी सभी चीजों को ले लिया है। तो क्या क्या है अब मैं दिखाती हूँ इसमें। ये मैंने मेरी जो स्पिनाच डॉक था उसको अच्छी तरह से धो के काट लिया है बारीक तरीके से। मुझे चाहिए दो तेज पत्ता और एक सूखा हुआ लाल मिर्च, ये है धनिया, ऑप्शनल है, ये आप लोग दे भी सकते हैं और अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। ये है क्रस्ट ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन की क्रस्ट अदरक लहसुन लहसुन है, पेस्ट नहीं है ये। और ये एक प्याज काट लिया है मैंने, और मैंने ये रहू फिश लिया है इसके लिए, रहू फिश, क्योंकि मैं फिश के साथ इसको पकाने वाली हूँ और फिश को मैं अच्छी तरह से नमक और हल्दी में मैरिनेट कर लिया है। और मसाले में मुझे चाहिए जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, और ये है मीठी चीज, ये है ब्लैक राई मस्टर्ड चीज, ब्लैक मस्टर्ड चीज, और ये नमक हल्दी और ये मस्टर्ड ऑयल। तो आइए शुरू कर, पहले मैं मेरी जो फिश है उसको मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी।
आप लोग देखिए मेरी जो फिश थी रहू फिश वो अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं पैन पे। तो इसको मैं ये बहुत ही अच्छे देख रहे हैं देखने में, तो इसको पहले मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं मेरी जो करी है उसको बनाऊँगी। आप लोग देखिए मैंने जो फिश फ्राई किया था वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको रख दूंगी और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो उसमें मैं अभी जिस ऑयल में मैंने फिश फ्राई किया था उसी पे ही मैं बनाऊंगी। थोड़ा ऑयल डाल लिया है। ये ऑयल गर्म ही है क्योंकि अभी मैंने इसमें फिश फ्राई किया था, तो ये गर्म होने में और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब मैं फर्स्ट इसमें डालूंगी थोड़ा ब्लैक मस्टर्ड सीड, और उसके बाद थोड़ा मेथी सीड। अब मैं इसमें मेरी जो लाल मिर्च थी ड्राइड लाल मिर्च ये डाल दिया है, और डाल दिया है एक तेज पत्ता। ये भी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें मेरी जो प्याज थी उसको डाल दूंगी, और अदरक लहसुन की पेस्ट। और इसको अभी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। ये मेरी मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी टर्मेरिक पाउडर। और थोड़ा जीरा पाउडर। मैंने अभी थोड़ा ही नमक ऐड करूंगी क्योंकि ये जब कोई लीफी वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो बाद में कम हो जाते हैं और नमक ज़्यादा हो जाते हैं, तो पहले मैंने इसमें थोड़ा ही नमक ऐड किया है। मैं इसमें डालूंगी जो क्रस्ट ब्लैक पेपर थी, आप लोग इसे साबुत भी यूज कर सकते हैं। ये मेरी जो मसाला था वो फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें जो स्पिनाक डोट था वो डालने जा रही हूँ। इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये गल जाए। ये आप लोग देखिए बहुत आसानी से ही ये पक गई है। अभी अभी मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा पानी डाल दूंगी। ये लगभग 2 मिनट्स में ही पक गई है ढकने के बाद। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, और इसको गाढ़ा करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स मेरी माँ यूज करती थी। वो है क्या, मैंने यहाँ थोड़ा आटा लिया है, गेहूं का आटा, और इसमें मैं पानी मिलाकर इसका एक घोल बना लूंगी, और इसको मैं इस मेरी जो रेसिपी है उसमें डाल दूंगी। तब क्या होता है, ये रेसिपी जो है वो गाढ़ा हो जाता है और खाने में और भी अच्छा लगता है।
लगभग तैयार हो गई है। अब मैं इसमें मेरी जो फ्राइड फिश थी, रहू फिश, तो इसमें इसको इसमें डाल दूंगी। आप लोग अगर चाहते हो तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हो, मगर मेरे ख्याल से ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगेंगे थोड़ा ठीक होने से। अब मैं मेरी जो गैस की स्टोव है वो थोड़ा हाई कर दूंगी ताकि ये हो जाए और फिश में इसका जो जूस है वो लग जाए, और बाद में मैं इसमें गार्निश के लिए थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप लोग यूज नहीं भी कर सकते हो, ये आप लोगों की मर्जी है। ये देखिए लगभग तैयार हो गई है मेरी स्पिनाक डॉक, यानी हम लोग असमीस में बोलते हैं सुखा हाक, और ये सोरियल प्रजाति की है एक सा, ये तैयार हो गई है। और एक मैं इसका बेनिफिट बोलना भूल ही गई थी बाद पहले, कि ये हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग करते हैं, और इंडाइजेशन जो होता है खाने के बाद वो भी क्योर करता है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए ऐसे रेसिपी। और मैंने पहले ही कहा था कि प्रेग्नेंट वोमेन और किड्स के लिए ये रेसिपी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो प्रेग्नेंट वोमेन को खाने से मिसकैरेज भी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये रेसिपी जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर मेरे चैनल को मेरी रेसिपी को आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो तब तक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।